दोस्तों ये कहानी है यूक्रेन में रहते एक ऐसे टीचर की जो इतना गरीब था कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक झोपड़ी वाले घर में रहता था और उसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी साइकिल पर जाना पड़ता था लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही पलट गयी एक दिन कुछ रशिया के सोल्जर्स उसकी वाइफ के साथ बहुत गलत करने की कोशिश करते हैं और जब वो उनसे लड़ती है तो वो रशियंस उसे जान से मार डालते हैं जिसके बाद वो टीचर अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए अपनी कलम साइड में रखकर यूक्रेन का सबसे खतरनाक स्नाइपर बनता है और उसका निशाना इतना सटीक था कि वो पाँच किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को शूट करके मार गिराता है लेकिन वो कैसे उन रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेता है और उसे अपने इस मिशन में किन किन खतरनाक भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है चलिए जानते हैं तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है जहाँ मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नस्टिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद था एक दिन वो मिकोला की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बनाकर कर मिकोला के बाजू में बांध देती है मिकोला उनके घर के पास ही एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था उसके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोला के घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी जब मिकोला स्कूल में जाता तो ब्रेक के टाइम वही थोड़ी देर टीवी पर न्यूज देख लिया करता था ऐसे ही एक दिन टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज से उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है अब इस खबर को सुनने के बाद निकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और वो बच्चों को बड़े प्यार और अच्छे तरीके से पढ़ाता है लेकिन इसी क्लास में ईवान नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता तो वो मिकोला की इंसल्ट करता और मिकोला को स्कूल से हटवाने के बारे में ही सोचता रहता पर मिकोला उसकी हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होता था एक दिन सुबह जब मिकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो कुछ सोल्जर्स को खड़ा देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो दरअसल रशियन सोल्जर्स थे अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है क्यूँकी नास्तिया घर पर अकेली थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे और जब मिकोला अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं मिकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है इसलिए तुम लोग प्लीज उसे मत मारो ये सुनकर रशियन सोल्जर उनके घर को आग लगा कर वहाँ ऐसी जाने लगते हैं अब अपने घर को जलता हुआ देख नास्तिया गुस्से में आकर रशियन सोल्जर्स पर जैसे ही पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार डालता है मिकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसकी पत्नी नास्तिया के लिए दुख प्रकट करते हैं और उसके लिए कब्र खोद कर मिकोला को कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहाँ दफना दो मिकोला अपनी पत्नी को उस कब्र में दफना देता है अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर्स से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा इसलिए वो यूक्रेन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ ये सुनकर यूक्रेनी सोल्जर्स उसे अपने साथ मिलिट्री बेस में ले जाने लगते हैं लेकिन जाने से पहले मिकोला लकड़ी के उस एंजिल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहां उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है लेकिन मिकोला कमांडर को कहता है की रशियन सोल्जर्स ने मेरे घर को चला दिया और वो लोग मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मार कर वहां से चले गए इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची और मैं रशियन सोल्जर्स को मार कर ही दम लूंगा और अपने देश को बचाऊंगा ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़े ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है मिकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो मिकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा लेकिन मिकोला अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए और ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ वो अपना कोड नेम रेवन रखता है जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं की कोड नेम ऐसे ही किसी को नहीं मिलता उसके लिए बहुत मेहनत लगती है जिससे मिकोला अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तब भी मिकोला अकेले ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था एक दिन उसका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है इसलिए तुम लोगों में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है जिसे सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं लेकिन इनमें से एक मिकोला भी था जिसे देख सभी हंसने लगते है कमांडर उसे कहता है की तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करनी नहीं आती तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते लेकिन मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं और मैं ये साबित कर सकता हूं। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो तब कमांडर उसे टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस ए के फोर्टी बंदूक को असेंबल करना होगा तब मिकोला आंखों पर पट्टी बांध बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ अठारह सेकंड में ही ए के को असेंबल कर देता है ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले मिकोला आरोप हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियाँ बजाने लगते है इसके बाद मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मिकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को पूरी जी जान से सीखने लग जाता है ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन इन सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी यहाँ पर बाकी सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है लेकिन वही मिकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो की सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है अपने साथ ऐसा भेदभाव देखते हुए मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक दीजिए जिस पर उसका सीनियर उसे गुस्से उस कहता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी जिसके लिए मिकोला तैयार हो जाता है अब इन सभी स्नाइपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उन्हें सबसे पहले सीनियर सभी स्नाइपर्स को बताता है कि जब तुम लोग अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होगे, तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके उसे शूट करना है इसके बाद सीनियर एक एक करके सभी स्नाइपर्स के पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से जरा सा भी हिलता है तो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है ऐसे ही जब मिकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर ही निर्डरता से लेटा रहता है यहाँ पर मिकोला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी इनका सीनियर उसे कहता है की तुम्हें सिर्फ एक ही बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा और जैसे ही मिकोला अपना टारगेट देखता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है जिससे मिकोला का निशाना थोड़ा चूक जाता है लेकिन सभी को पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती और उसकी आँखों के आगे कुछ न रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगाता लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता और मिकोला भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता रात को इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही सभी स्नाइपर्स को उस प्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट्स पर गोली चलानी थी लेकिन विकोला गोली नहीं चला था क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था इसलिए वो उस फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट से लगा लेता है और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर लगता है जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था अगले दिन इन सभी का रिजल्ट आता है और सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है तुम पास हो चुके हो इसके बाद कर्नल मिकोला को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी जरूरी सामानों को पैक कर लो क्योंकि तुम्हें एक जरूरी मिशन पर बाकी के स्नाइपर्स के साथ जाना है अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि पास ही के एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा था जिसको इन लोगो ने उनसे छुड़वाना था इसलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट दिया जाता है जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक की तरफ जा रही होती है जिससे कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलते हैं वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था रशियन आर्मी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं जिसे देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस में आते हैं तब निकोला वहाँ देखता है कि उसके बाकी के साथ ही बेस में नहीं है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मिकोला को ये भी पता लगता है कि उस मिशन पर उसके कई साथी मारे गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ इन जगहों पर बॉम्ब्स फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर कर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है अब जैसे ही कुछ टाइम बाद रशियन आर्मी वहाँ आने लगती है तो मिकोला देखता है की उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी था जो स्कूल में उसे हर टाइम परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था मिकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता लेकिन जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो मिकोला थोड़ा सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड में रखते हुए बारूद पर शूट कर देता है जिससे इवान समेत सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे तो मिकोला उसे बताता है कि उस रशियन सैनिकों में से एक मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था तब कर्नल उसे समझाते हैं कि ये यान की चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया इसलिए तुम्हें तो अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके बाद ये लोग वापस बेस में आ जाते हैं यहाँ पर अब कर्नल अपना ज्यादातर टाइम मिकोला के साथ ही बिताता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से मिकोला पर विश्वास करने लगा था कर्नल मिकोला को बताता है कि मेरी दो बेटियां हैं और उनको नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूं। उनको मैं ये कहकर आया हूं कि मैं एक काफी बड़ा बिजनेस करता हूं और मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को नहीं बताती कि मैं कर्नल की पोस्ट पर हूं। ये सुनकर मिकोला भी कर्नल को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी दिखाता हुआ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है दोस्तों आगे बढ़ने ऐसी पहले आप सभी का दिल ऐसी शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अब इसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं और ये लड़ाई काफी बड़ी थी इसलिए सभी स्टैंपर्स इस छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पर ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें कहीं से पता चल गया था कि रशिया के कुछ सिपाही इधर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं इस मिशन में कर्नल मिकोला के साथ ही थे तभी कुछ टाइम बाद मिकोला यहाँ पर नोटिस करता है कि उन रशियन सोल्जर्स के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी वो सोल्जर बिल्कुल ही मिकोला के निशाने पर था ये देखकर मिकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं उस पर शूट कर सकता हूँ जिस पर कर्नल कहता है कि अभी नहीं मिकोला फिर से देखता है कि वो रशियन बिल्कुल उसके निशाने पर है और शायद फिर उसे कभी ये मौका ना मिले इसलिए वो फिर से कर्नल से पूछता है तो कर्नल उसे फिर से मना कर देता है अब क्योंकि मिकोला का मिशन ही यही था कि वो अपनी पत्नी का बदला ले इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और उस सोल्जर पर शूट करके उसे मार डालता है लेकिन इससे रशियन सैनिकों को इनके बारे में पता चल जाता है कर्नल मिकोला पर भड़क जाता है कि तुमने क्या किया तभी सेरी जो रशियन आर्मी का एक तेज तरवार स्नाइपर था वो कर्नल को शूट करके मार डालता है और सभी रशियन सोल्जर्स इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं जिससे मिकोला कर्नल की बॉडी को उठाकर वहां से दूर भागने लगता है लेकिन कुछ देर बाद वो रशियंस की रेंज से बाहर चला जाता है मिकोला वापस बेस में आता है लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारा गया था मिकोला अब ये कसम खाता है कि वो सेरी को कहीं से भी ढूंढ कर उसे मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन स्नाइपर्स की लोकेशन पता चलती है जिससे वो अपने टारगेट फिक्स करके एक रशियन स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है लेकिन तभी दूसरा रशियन स्नाइपर मिकोला पर शूट करता है जिससे मिकोला के हाथ को गोली छू कर निकल जाती है और वो घायल हो जाता है लेकिन फिर भी मिकोला उस स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है अब क्योंकि मिकोला जख्मी था तो इसलिए वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करता है तभी आर्मी हेड उसे कॉल करके कहता है की हमारी आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कैप्टन को मारा था हेड मिकोला को कहता है की तुम जल्दी ऐसी बेस आरोप आ जाओ जिससे मिकोला बेस में पहुँचता है अब मिशन शुरू होने ऐसी पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं उसने अब तक पांच सबसे कारगर यूक्रेनी स्नाइपर्स और तीन मशीन गनर्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सेरी हेड उन सबको ये भी बताता है कि सेरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है ताकि वो यूक्रेनी लोगों और खास यूक्रेनी आर्मी का मनोबल तोड़ पाए और वो हार मान ले सेरी के पोस्ट इंटरनेट आरोप डालने ऐसी यूक्रेन आर्मी उसकी लोकेशन का पता चल गया था यहाँ पर कुछ सैनिक कहते हैं की हमें उस लोकेशन आरोप माइंस बिछा देनी चाहिए तब निकोला उन्हें कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम उस जगहों पर माइस बिछाएंगे तब तक सेरी हमारा सफाया कर देगा इसलिए हेड उनसे कहता है कि हम वहां दो ग्रुप्स में जाएंगे एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर्स पर सामने से अटैक करेगा जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे तभी दूसरे ग्रुप वाले उन पर अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान बच जाएगा और मिकोला इसी का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा जहाँ पर रशियन स्नाइपर्स होंगे और उनको मार गिराएंगे प्लान बन जाने के बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्द ही अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और रशियंस का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और मिकोला को मौका मिल जाता है बिल्डिंग में एंटर होने का मिकोला वहां पर अपने सामने दो रशियन स्नाइपर्स को देखकर उन पर हमला करके उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है मिकोला अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो जिससे सभी यूक्रेन सोल्जर रशियन के बहुत सारे सैनिकों को मारकर उसके लिए रास्ता साफ कर देते हैं मिकोला आगे बढ़ता है वहीं सेरी ये नोटिस करता है कि कोई भी सोल्जर उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा जिससे उसे थोड़ा शक होता है और वो चेक करने के लिए खुद ही छत पर जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो अब मर चुका था ये देखकर वो वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है तब उसे मिकोला की पत्नी का खिलौना दिखाई देता है उसी वक्त मिकोला ऊपर से कूदता है और सेरी को मार डालता है तभी एक और रशियन स्नाइपर को थोड़ी आवाज़ आती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है लेकिन मिकोला उसी टाइम उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है और अब उस स्नाइपर का भी काम तमाम हो जाता है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सेरी जब ऊपर छत पर चेक करने गया था तो उसने अपने रशियन आर्मी से फोन करके बैकअप बुलाया था इसलिए अब रशियन आमी वहाँ पर आ रही होती है उन लोगों को नहीं पता था कि सेरी मारा जा चुका है इसलिए वो सेरी को कॉल करके कांटेक्ट करते हैं लेकिन कॉल मिकोला उठाता है और कहता है कि तुम लोगों का अब टाइम खत्म हो चुका है ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है जिससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर निकल जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर्स ने पहले ही उन पर निशाना साध रखा था तभी सभी यूक्रेनी स्नाइपर्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और मार डालते हैं अब सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और उसे उदास भरे मन से कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया लेकिन मुझे अब अपने देश की सेवा करनी है इसलिए मुझे जाना होगा इतना कहते हुए वो अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना